हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माहीज डायरी। दो तरह के वेज चीज़ सैंडविचेस बनाऊंगी मैं आज। दोनों का ही अपना अलग अलग टेस्ट है और ये इजी और बेस्ट ऑप्शंस हैं फॉर द मॉर्निंग और इवनिंग ब्रेकफास्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर बाउल में कटा हुआ प्याज, बॉइल्ड कॉर्न्स और साथ में बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। साथ में मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 2 से 3 चम्मच मेयोनीस। सिर्फ इतना कि सब्जियों को कोट कर ले, बहुत ज़्यादा मेयोनीस ऐड नहीं करनी, अदरवाइज सैंडविच सॉगी बनेगा। फिर साथ में मैं ऐड करूँगी यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और चिली फ्लेक्स। दैट्स इट, मिक्स कर दूँगी इसे अच्छी तरह से। और ये मिक्सचर हो गया रेडी। अब मैं यहाँ पर 2 ब्रेड स्लाइसेस ले रही हूँ, इन पर अच्छे से मैं बटर अप्लाई कर रही हूँ कॉर्नर्स पे भी, अच्छी तरह से टेस्ट अच्छा आएगा इससे। तो दोनों स्लाइसेस पे बटर लग गया। अब मिक्सचर को प्रॉपर इसी तरीके से लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप सेंटर में भी थोड़ा सा करके रख सकते हो, क्योंकि ये बाद में अपने आप कॉर्नर्स में चला ही जाएगा। अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी चीज़ स्लाइस, यहाँ पर चीज़ क्यूब या फिर शेडेड चीज़, जो भी आपके पास हो आप यूज़ कर सकते हो। चलिए बटर अप्लाई करते हैं ऑन द टॉप। अब इसको आप तवे पे पका लो या फिर ग्रिल कर लो, जैसे भी आप बनाना चाहते हो। मैं इसको तवे पे बटर लगा के अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी होने तक दोनों साइड से पका लूँगी। एंड इट्स रेडी। और ये रहा इसका क्रीमी एंड चीज़ी लुक फ्रॉम द इनसाइड। अच्छा लग रहा है ना, चीज़ लवर्स को तो बहुत पसंद है इस तरह के सैंडविचेस। चलिए दूसरा बनाते हैं। इसमें मैं ब्रेड स्लाइस पे सबसे पहले लगाऊंगी मेयोनीज, बहुत ही थोड़ी सी मेयोनीज लेके अच्छे से स्प्रेड कर दो। ज़्यादा लगाओगे तो फिर सैंडविच सोगी बनता है, बहुत क्रिस्पी नहीं होता। तो थोड़ी सी मेयोनीज लगाएंगे। उसके बाद मैं इसके ऊपर रखूंगी यहाँ पर खीरा, टमाटर, थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऐड करूँगी नमक और चाट मसाला, इससे टेस्ट अच्छा आता है सैंडविच का। थोड़ा सा प्याज रख देते हैं, अगर आप प्याज खाना पसंद करते हो तो प्याज भी ऐड कर सकते हो इसमें। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ यहाँ पर श्रेडेड चीज़, ये मोज़रेला और प्रोसेस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, ये रेडीमेड मिल जाता है इसी तरह से मार्केट में। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप चीज़ ऐड कर सकते हो, कम या ज़्यादा। चलिए इसको भी बंद करके उसी तरीके से इसके ऊपर भी मैं ऐड करूँगी यहाँ पर बटर, और इसको भी उसी तरीके से तवे पे गोल्डन क्रिस्पी होने तक अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। ये वाला सैंडविच ये है कि पहले वाले से थोड़ा ज़्यादा जल्दी बन जाता है, इसमें कटिंग चॉपिंग का काम कम है और टेस्टी तो ये भी बहुत होता है। चलिए इसको भी कट करके दिखाती हूँ आपको। इसमें मोज़रेला चीज़ था ना थोड़ा सा, तो उस वजह से इसमें स्ट्रिंजीज आई हैं। बहुत ही यम्मी होता है ये भी सैंडविच। ईजी चीज़ी सैंडविचेज हैं ये दोनों, जो कि बेस्ट ऑप्शंस हैं फॉर द ब्रेकफास्ट। रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो। थैंक यू, बाय बाय।